तो नमस्कार आप सभी को, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू जयपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा, और वो बात है सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या करना। देखो, सुसाइड इज़ नॉट ए ऑप्शन, सुसाइड कभी एक ऑप्शन नहीं था। और मैंने आपके पास कुछ साइड लिखा है, तो उन साइड्स के अंदर अपने पास होता है सुसाइड। क्या आपको लगता है कि जीवन के अंदर अगर कुछ समस्या है, कुछ अपने पास डिप्रेशन के अंदर आप लोग गुजर रहे हो, तो अपने जीवन को ख़त्म कर देना ही अपने पास एक समस्या का हल है? शायद मैं कोई परेशानी से निकल रहा हूँगा, आप लोग कई परेशानियों से गुजर रहे होंगे, कई सारे अपने पास ऐसी परेशानियाँ होती है जिसके अंदर अपने पास आपको पता नहीं चलता कि आप लोग क्या है और किस प्रकार से हैं। हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग उन सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। देखो, वक्त समय ये अपने पास निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने आप के लिए ये कहता हूँ, अगर फिल्म में हीरो ही नहीं होगा तो वो फिल्म बनेगी क्या? ये जो अपने पास जो लाइन है, ये एक रैंगो फिल्म है, ठीक है, एनिमेटेड फिल्म है, और उस फिल्म से एक बार ली गई थी, और उस फिल्म को मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उस फिल्म के अंदर था एक छोटा सा अपने पास रैंगो, जैसे अपने पास एक लिजर्ड होता है, उसके अंदर वैसे उसको कोई बोलता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, अपने ज़िंदगी से हार जाता है। उसे कोई बोलता है कि यार, अगर लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अगर ऐसा हो गया, आप अपने आप को ख़त्म कर दोगे, तो अगर फिल्म के अंदर हीरो ही नहीं होगा, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटागोनिस्ट है, मुख्य पात्र है, अगर वही नहीं होगा तो फिल्म चलेगी ही कैसे? अपनी यह लीला समाप्त करना ही अपने पास कोई निर्धारण नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास जीवन में समस्या है तो हर प्रकार की समस्या का कोई हल भी होता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े, सुसाइड करना कोई अपने पास नहीं है। जॉब नहीं लग रही है, आजकल हम लोग सुनते हैं जॉब नहीं है हमारे पास, हम लोग अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा एक स्टेटस नहीं बन पाया, कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग के थोड़ा सा अगर किसी नीचे रह जाते तो अपने पास दुखी हो जाते हैं। अरे छोड़ो यार, एक तो सबसे पहले है ना, फेलियर से सीखा करो। फेलियर कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। जीवन में कुछ अपने पास परेशानियां आती है तो शेयर करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, और हमेशा अपने पास कुछ ऐसे दोस्तों का कलेक्शन रखो जिन्हें मैं कहता हूँ डायमंड्स, प्राइसलेस। उनके साथ शेयर करो अपनी बात को, क्योंकि दोस्तों से बड़ा कोई अपने पास खुशी देने वाला नहीं होता अपने पास। अपने माता पिता से शेयर करो, अपने घर वालों से शेयर करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और अकेले रहना मत अपने पास, ठीक है। पढ़ाई करो, दबा के अपने पास पढ़ाई करो। हर समस्या का हल होता है कड़ी मेहनत, हर समस्या का हल होता है हार्डवर्क। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ सीखी है, वो है हार्डवर्क। मुझे कुछ नहीं आता मैथ में, मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मुझे जो आता है वो है हार्डवर्क। मैं लोगों से अच्छी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का पहला वन वर्ड अपन स्टार्ट करें, तो आज का पहला वन वर्ड अपने पास है ए डीप कट और टीयर इन स्किन ऑफ फ्लैश, ठीक है। स्किन ऑफ फ्लैश अपने पास मांस के अंदर, या अपने पास अगर स्किन के अंदर कोई कट वगैरह आ जाता है तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैक्रिएशन, ठीक है। लैक्रिएशन का मतलब होता है शरीर या अंग में कटाव, कट जाना, ठीक है, यह आपके पास हो जाएगा। अगला, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। देखो, टर्मिनेशन से एक वर्ड याद आया, टर्माइट। टर्माइट का मतलब क्या होता है, टर्माइट का मतलब अपने पास देखो, अगर आपके ये जो भी अगर अपने दरवाजे हैं, खिड़कियां अगर वहां लग जाते हैं तो उसे कहते हैं टर्माइट, का मतलब होता है दीमक। सेशन का मतलब, सेशन का मतलब क्या होता है, सीसेशन का मतलब होता है समाप्ति होता है, लेकिन समाप्ति का क्या है भाई, युद्ध समाप्ति से ये लिया गया है। किससे लिया गया मेरे भाई, युद्ध समाप्ति से लिया गया है, ठीक है। इसी तरह डाइजेस्टेशन, डाइजेस्टेशन का मतलब अपने पास क्या, डाइजेस्टेंस का मतलब होता है विश्राम या रुकावट, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, ठीक है, यह आपके पास हो जाएगा। अगला, द बैरली सफिशिएंट और एडिक्वेट। बैरली सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, इसी तरह एडिक्वेट का मतलब भी क्या होता है भाई, पर्याप्त ही होता है, लेकिन बैरली का मतलब क्या हो गया, बैरली नेगेटिव अर्थ है। बैरली के अंदर अपने पास बैरली, स्कार्सली, हार्डली, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, ये कैसे आते हैं भाई, नेगेटिव के अंदर आते हैं। अगर ये नेगेटिव के अंदर आया तो बैरली सफिशिएंट यानी बहुत ही मुश्किल से पर्याप्त है, तो उसके लिए क्या आएगा, स्कैंट। देखो, इसीलिए इसको भी लगा देते हैं लैक्रिएशन को भी, तो ये क्या आ गया भाई, स्कैंट। लैक्रिएशन का मतलब शरीर अंग में कटाव, स्कैंट का मतलब हो गया भाई कमी, ठीक है। अब डिल्यूज का मतलब क्या होता है, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ से मिलता जुलता एक अपने पास वर्ड है इनंडेशन, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, बाढ़ होता है। एक बात बताओ, बाढ़ अगर अपने पास आ गई तो, इसी तरह अगर आपके पास कुछ वर्ड अगर आपको बाढ़ से याद है तो बांध, बांध को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बैकमेंट, याद है, डाइक, डैम, ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। अगला, प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है पर्याप्त, ज्यादा, ठीक है। सरफिट का मतलब भी होता है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। मैंने एक वर्ड लिखा था आपको सरप्लस, तो प्लेथोरा, सरफिट, सरप्लस एक दूसरे के क्या भाई, सिनोनिम है।
अगला द एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी दैट मीन्स द चुस्पा, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा आप लोग देख लेना, यानी एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी, जिसके अंदर बहुत हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहता ना, हाँ भाई मेरे सीजीएल में 200 में से 200 आ जाएंगे, लेकिन अपने पास क्या भाई मैथ के अंदर अपने पास 200 में से 200 कभी आते हैं कभी नहीं आते, अपने पास कोई बार अपने पास कोई एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो 5-10 नंबर कट जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, माइनर मिस्टेक्स हो जाना, ठीक है। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है भाई, भयभीत होना, क्या होता है भयभीत होना। अबेस्ट का मतलब भी क्या होता है अपने पास, अबेस्ट, ठीक है, इसका भी अपने पास क्या, घबराया हुआ, क्या होता है भाई घबराया हुआ, क्योंकि देखो ईडी लगा है तो ये वर्ब के अंदर आ गया। स्किट इसका मतलब जो आसानी से भयभीत हो जाए, अगर इसको याद रखना है तो रैबिट, रैबिट क्या होता है आसानी से भाई भयभीत हो जाता है किसी को भी देखकर, तो स्किट इसका मतलब क्या है आसानी से भयभीत हो जाने वाला, आसानी से भयभीत हो जाने वाला, ये हो गया स्किटिस, ठीक है मेरे भाई। अगला द क्लैंडेस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्ट्रीट। देखो एक राज्य के अंदर कोई अपने पास लिटरेचर अपने पास है, लिटरेचर के अंदर अपने पास हम लोग बोल सकते हैं कोई काव्य वगैरह है कोई ग्रंथ वगैरह है जिसको बैन कर रखा है, और क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या हो गया, क्लैंडेस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग लिख देना, क्लैंडेस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त, ठीक है। अगर कोई गुप्त अगर ऐसी कोई अपने पास लिटरेचर है जिसको बैन कर रखा है फिर भी आप लोग उसको क्या भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बांट रहे, तो उसे कहते हैं समिजात, समिजात, ठीक है, उसे क्या कहते हैं समिजात। इनके पर्टिकुलर अपने पास मीनिंग इनको इसी तरीके से याद रखना है, कोई भी लिटरेचर को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई गुप्त वगैरह उसे कहते हैं समिजात, ठीक है। उसी तरह अपने पास वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है प्रबल, प्रचंड, निर्लज, अपने पास एक नहीं होता है उग्र टाइप के जो होते हैं अपने पास उसके प्रकार के, निर्लज टाइप का प्रचंड, जिसे हम लोग अगर बोले कि जो चीज़ों को समझ नहीं सके एक तरह से, यानी कि उठाई गिरा टाइप का अपने पास। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, बेशर्म, ठीक है, बेशर्म। अगला फ्रैगलेंट का मतलब क्या होता है, फ्रैगलेंट, ठीक है, फ्लैगरेंट का मतलब अपने पास, इसका अपने पास मैं एक बार इसको लास्ट में आपको बताऊंगा, फ्लैगरेंट का मतलब वैसे तो खुला होता है लेकिन अपन एक बार चेक लेते हैं, ठीक है, अपने पास इसको देखते हैं अपने पास इसका क्या रहता है। इसके बाद अगला द शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी, द शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी का मतलब अपने पास क्या रहता है, देखो शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी, पुअर टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई स्वाद, तो स्वाद से मिलता अपने पास एक ही वो है सेवियर, ठीक है, सेवियर का मतलब क्या होता है भाई स्वाद। इसी तरह पाइक, पाइक का मतलब हो गया अपने पास कुदाली, फावड़ा, ठीक है। टैकी का मतलब हो गया चिपचिपा, ठीक, टैकी का मतलब क्या हो गया अपने पास चिपचिपा, ही इज अ वेरी टैकी गाय, बहुत ज्यादा अपने पास चिपचिपा है, ठीक है, ही इज अ वेरी टैकी गाय, समझ में आ गया, टैकी का मतलब अपने पास क्या हो गया भाई चिपचिपा हो गया। एक्विसाइट का मतलब हो गया बहुत सुंदर, एक्विसाइट का मतलब हो गया क्या भाई बहुत सुंदर। द स्टेट अगला वाला अपने पास देखो, पाइक का मतलब क्या हो गया भाई कुदाली, कुदाली आपको समझ में आ गया, ठीक है। टैकी का मतलब चिपचिपा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टिकी भी बोल सकते हैं, स्टिकी, ठीक है, चिपचिपे को, ये वाला वर्ड भी आप लोग लिख देना। अगला द स्टेट ऑफ बींग होली सेक्रेड और सेंटली, देखो सेक्रेड का मतलब हो गया पवित्र, एक वर्ड पकड़ो उसी से अपने पास द स्टेट, यानी कि अपने पास एक ऐसी अवस्था जो बहुत ही पवित्र है उसे हम लोग क्या बोलेंगे सेंटिटी, सेंटिटी का मतलब क्या हो गया भाई पवित्रता। देखो इससे हमने के पास एक पवित्रता है, पवित्रता से अपने पास ये वर्ड आया है, तो इसी प्रकार अपने पास देखो हीनियस का मतलब क्या हो गया, हीनियस का मतलब होता है जंगन्य अपराध, बहुत ही अपने पास बेकार अपराध, ठीक है, उस तरीके से सुसाइड करना भी एक अपराध के अंदर ही आता है, तो आपको किसी ने हक नहीं दिया कि जो भगवान ने आपको जिंदगी दी है उसको आप समाप्त करो, जघन्य अपराध। वीली का मतलब क्या होता है, वील, ठीक है, वील का मतलब होता है, देखो तीन प्रकार के होते हैं यार, एक मुझे अगर याद आए तो देखो, एक तो होता है डब्ल्यू आई एल ई, इसका मतलब होता है मोहित करना, ठीक है, इस लाइनों का ध्यान रखते रहना, ठीक है, मोहित करना। एक अपने पास होता है वी आई एल ई, मतलब होता है नीच, एक होता है वी ई आई एल, वी ई आई एल का मतलब अपने पास होता है घूंघट, ठीक है, इन तीनों को जरूर याद करना भाई आप लोग, क्योंकि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगला बेस का मतलब तो आपको पता ही है, आधार वगैरह होता है। अगला एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन वन बाय लार्ज स्केल, देखो आर्टिस्टिक वर्क एक लार्ज स्केल, यानी बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा के अंदर अपने पास एक आर्टिस्टिक वर्क यानी कलात्मक कार्य हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑपुस, ठीक है। ऑपुस का मतलब होता है महान कलाकृति, ऑपुस का मतलब क्या होता है भाई महान कलाकृति, इसको मैं यहां लिख देता हूं ओ पी यू एस का मतलब होता है महान कलाकृति ऑपुस, ठीक है, ये अगला अपने पास हो गया। उसके बाद में अपने पास है बैलेड, बैलेड अपने पास क्या होती है
जैसे हम लोग राधा कृष्ण के गाने सुनते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण के गानों के अंदर अपने पास क्या होता है, वो एक कथा के आधार पर अपने पास पूरी बताई जाती है, गानों के आधार पर पूरी कथा बता दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, बैलेड। एक कहानी भरी कविता, एक कहानी भरी कविता कथा सॉरी एक कहानी भरी कविता कह सकते हैं इसको, इस तरीके से कर लो आप लोग। सोनेट, सोनेट अपने पास क्या होता है भाई, 14 लाइनों का समूह। सोनेट मतलब क्या हो गया भाई, 14 लाइनों का समूह। सोनेट मतलब अपने पास 14 लाइनों का समूह, सोनेट का मतलब 14 लाइनों का समूह, यह अपने पास हो गया। अगला ऑपस का मतलब महान कलाकृति। लाइमरिक का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास लाइमरिक का कोई होता है कि लाइमरिक के अंदर अपने पास जैसे कोई आपके दोस्त ने कोई हंसी मजाक के अंदर कोई बात बोली और आप लोग बहुत ही हंसे किसी के बारे में, बहुत ही फूड अगर अपने पास कोई बात बोली तो लाइमरिक का मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है, लाइन, हंसाने वाली लाइनें, हास्यास्पद, हास्यप्रद, ठीक है, हास्यप्रद। अपने पास पंक्तियां, एकदम हिंदी में लिख रहा हूँ आपको, एकदम मजा आ जाए जैसे, ठीक है। अगला फॉर्मूली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब अपने पास देखो कोरोना की वजह से इंस्टीट्यूट तो एक तरह से बंद ही हो गए, फॉर्मूली एंड समाप्ति की ओर, खत्म हो जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एबोलिश, क्या कहेंगे, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, इनिशिएट, कमेंस और एम्बार्क, तीनों का मतलब क्या करोगे, शुरू करना, कमेंस यानी स्टार्ट करना, इनिशिएट मतलब भी स्टार्ट करना, और अपने पास एम्बार्क का मतलब भी क्या होता है भाई, शुरू करना। तो इन तीनों का मैं एक ही लिख देता हूं, एम्बार्क का मतलब क्या होता है भाई, शुरू करना, ठीक है, और बैलेड का मतलब अपने पास हो गया एक कहानी भरी कविता। इस प्रकार से आप लोग करोगे। फ्लैग्रेंट का मतलब आप लोग क्या लिखोगे, फ्लैग्रेंट का मतलब अपने पास होता है खुला, ठीक है, एक तरह से खुला, ठीक है, या फिर प्रबल हम लोग कह सकते हैं, और भी अगर देखा जाए तो प्रबल इसको, ठीक है। और आप लोग इसको चेक कर लेना, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास एक बार के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, मैं हूँ मैथ का टीचर पहली बात ये, तो आपका कंटेंट बहुत शानदार वाला बना रहा हूँ मैं, एलजेब्रा अपने पास स्टार्ट है, टाइम एंड वर्क के बहुत शानदार से शानदार क्वेश्चन मैं अपने पास इकट्ठा करके उसके वीडियोज़ अपने पास बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे अपने पास काम करें, ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम करो, और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस वगैरह लेकर आऊँगा, तो हो सके तो आप लोग इस तरीके से रहो कि आने वाले समय के अंदर, ये तो देखो मैं क्या है ना कि मैं खुद के लिए तैयार करता हूँ तो आपके लिए भी मैं कर देता हूँ, और 10 अपने पास लिखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी भी लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझा भी देता हूँ, तो इसके लिए वोकैबुलरी तो मेरा एक बहुत छोटा सा अपने पास क्या अभी खजाना है, ठीक है। अभी फ़ोन आ रहा है और फ़ोन के अंदर भी बात बात करनी है, लेकिन कोई नहीं, उसको इग्नोर करते हैं अभी, और लेकिन अपन थोड़ा सा काम अगर अपने पास करेंगे, ठीक है, तो और हमें और आगे क्या करना है, देखो मैं एलजेब्रा बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, एलजेब्रा का बिल्कुल जीरो लेवल से लगाकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं लेकर जाऊँगा, और उसको एक एक वीडियो को बहुत ही तसल्ली से देखना आपको, अगर आप लोग एक एक वीडियो को तसल्ली से देखोगे तो एलजेब्रा अगर समझ में आ गया ना तो भाई साहब गणित समझ में आ गई है, याद रखना ये बात, एलजेब्रा समझ में आ गया तो सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया तो एसेट्स और इंडिसेस, आपने पास श्रेणी सीरीज कई प्रकार के अपने पास चैप्टर ऐसे समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। टाइम एंड वर्क के अंदर आज से ज़्यादा एलजेब्रा लगा हुआ होता है लेकिन पता ही नहीं चलता, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा यानी कि ओहो इतने खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल नहीं होते, कंसेप्ट अपने पास लगाओ एक बार में सवाल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब कुछ एकदम पर्टिकुलर सारे देखने और अच्छे से इनके नोट्स बनाना है, और नोट्स के अपने पास फोटो वगैरह मुझे रेगुलर भेजते रहना है, ठीक। वापस ए डीप कट और टियर स्किन और फ्लैश लैक्रेशन शरीर अंग में कटाव, बैली सफिशियंट और एडिक्वेट का मतलब होता है स्कैंट यानी कि क्या भी कमी, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी का मतलब होता है चूसपा, ये जरूर याद करना यार। तीसरा बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये बिल्कुल नया है और मैंने बहुत ही ऐसे कम ही देखा है इसको अपने पास एसएससी के अंदर। अगला द क्लैंडेस्टाइन कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट समीजात, इसको भी अपने पास नया है, बिल्कुल न्यू है, इन दोनों को न्यू लिख देना आप लोग, NEW। अगला ठीक है, द क्लैंडेस्टाइन कॉपी हो गया, द शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी, तो इसका मतलब हो गया सेवेर एनी स्वाद, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। द स्टेट ऑफ बींग होली सैक्रेड सेंचुरी, इसका मतलब स्कैंटिटी, ये भी अपने पास नॉर्मल है, लेकिन ये तीनों अपने पास बहुत ही अच्छे हैं। अगला एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन बाय लार्ज स्केल मतलब होता है ऑपस, ठीक है, ये भी अपने पास नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको अपने पास जो कहते हैं ना, ये जो ऑपस है, ऑपस का मतलब होता है मैग्नम ऑपस, इसको ऐसा लिखा जाता है कई बार अपने पास, मैं आपको इनको लैंग्वेज में भी यूज़ करना सिखाऊंगा, टॉफेल वगैरह के अंदर इनको कैसे, मैग्नम ऑपस का मतलब होता है महान कलाकृति,
महान कलाकार थे, ठीक है, इस तरीके से। अगला, ठीक है, अगला अपने पास है ये एन आर्टिस्टिक वर्क हो गया। द फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन का मतलब अपने पास क्या होता है भाई, एक तरह से एबुलिश यानी उसको नष्ट कर देना, ठीक है, ये अपने पास हो गया। बाकी तीनों के अपने पास क्या हो जाएगा, बाकी तीनों का एम्बार कमेंस और इंस्टीट्यूट का मतलब क्या भाई, शुरू करना, और फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होगा भाई, खुला, ठीक है, एक तरह से, और अपमानजनक, ठीक है, और देखो एक तरह से ये एग्जेक्टिव है, और अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कि नाउन अगर अपने पास लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपमानजनक। इसको आप लोग यहाँ लिख दो कहीं पर, फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया अपमानजनक, ठीक है। अपमानजनक को अपन इंग्लिश के अंदर एक और वर्ड होता है डेरोगेटरी, DEROGATORY, डेरोगेटरी। पहले ये अपने पास याद नहीं आ रहा था, खुला इसके एग्जेक्टिव याद आ रहा था, इसका नाउन याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है अपने पास, अपमानजनक होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बार बार आप लोग इसको करो, और बार बार अपने पास है ना कि भाई वोकैबुलरी के वीडियो, अगले वाले वीडियो भी देखते रहो, जिससे आप लोग जो भी अपने पास वोकैबुलरी है, अभी कितनी 13 या 14 वोकैबुलरी होगी, तो 14 गुना अगर मैं नॉर्मल भी अगर 30 वर्ड भी पकड़ता हूँ ना, तो अपने 500 वर्ड तैयार हो गए होंगे, क्योंकि 30 वर्ड मैंने एवरेज लिया है, तो 35, 36 कहीं कहीं भी आए होंगे, तो 500 वर्ड तो तैयार होने चाहिए। अब यार ये याद भी होने चाहिए, ठीक है, धन्यवाद।